तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, चलो आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से पहुँचना है पृथ्वीनाथ। कोई इंतजार कर रहा है, वहाँ पर हमारे एक मेहमान आए हैं, वहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, उनको दिखाएंगे अभी, अभी दिखाने वाले हैं। सरप्राइज है आपके लिए, आपके लिए सरप्राइज है, मिलवाने वाले हैं जो मिलते हैं। और बहुत दूर से यानी गोंडा से हमारे लिए आए हैं हमसे मिलने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी देर में आपका सरप्राइज आपके साथ होगा। तो हमारे भाई हमसे मिल चुके। हाय, हेलो, वेलकम। मैं आरती सीमा गोस्वामी ब्लॉग आप लोगों का स्वागत करता हूं युवराज पाटवा ब्लॉग में। बहुत ही खुशी हुई इनसे मुलाकात करके, और आगे क्या हो रहा है अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। भाई आपसे भी मिल के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता। बहुत दिन से आपसे ट्राई कर रहा था, कब से बुला रहा हूँ आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज समय मिल गया और वो दिन भी आ गया कि आज मैं इनसे मुलाकात करूँ। और आज काफ़ी इन सब टॉपिक पे भी बात होगी कि क्या हो रहा है, वीडियो कैसे वायरल होगी, सारी चीज़ें होंगी। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वीडियो में बने रहिए। अगर सफल होना तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि हमें YouTube को डेली एक वीडियो देनी है। जैसे एक दुकानदार रोज़ सुबह उठ के अपनी दुकान हर हालत में खोलता है, चाहे धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो बीमार भी, तो हमें क्या करना है, अगर हमें बुखार भी है, अगर हमें बुखार भी है तो हमें उस चीज़ को भी कैप्चर करके उस वीडियो को भी बना के हमें अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना है कि आज हमारी वीडियो उस तक क्यों नहीं आ पाई है, किस रीज़न से हम उसको पूरी वीडियो, मनोरंजक वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि आज हमारे हमें फीवर है या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को भी वीडियो बना कर, क्योंकि जो व्यूवर्स है हमारा ये फिल्म से बढ़ के है। या आप जैसे जो सिनेमा हॉल में एक स्टोरी क्रिएट होती है, हम यहाँ पर रियल स्टोरी दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ की रियल स्टोरी दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे गाँव में क्या हो रहा है, भैया हमारी दुकान खोल के बैठे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, इन्होंने समोसे में मसाला क्या डाला है, ये सारी चीज़ें रियल हैं। यहाँ कोई फेक नहीं, कोई बनावटी चीज़ नहीं। तो अगर हमें यहाँ पर सफल होना है, यूट्यूब पर अगर सफल होना है, तो सबसे पहला नियम है कि एक वीडियो डेली अपलोड होनी चाहिए। फिर उसकी लेंथ कम से कम 8 मिनट से तो ज़्यादा होनी चाहिए। 8 मिनट से अगर हम ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, अगर हम कोई गाना बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो 2 मिनट की भी है, 3 मिनट की भी चल जाएगी, अगर सेक्शन होना है। और आप सब्सक्राइबर के पीछे कभी मत भागो, कभी भी मत भागो, सब्सक्राइबर अपने आप आ जाएंगे। आपको भागना कहाँ है कि आपकी वीडियो का इम्प्रेशन थ्रू क्लिक थ्रू रेट जो है बहुत सही होना चाहिए। और इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट कैसे सही होगा, उसके लिए आपको अपने थंबनेल पर जितना ज़्यादा टाइम आपने वीडियो बनाने में लगाया, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम आपको थंबनेल बनाने में लगाना पड़ेगा। थंबनेल कोई देखते हैं लोग, क्योंकि सबसे पहले किसी के पास, जैसे भैया की दुकान में अभी भैया के साथ पूछ लेना, भैया यहाँ खड़े हुए हैं, मैं इधर से गया तो मैं देख रहा था, ऐसे निकल के गया तो मैंने 2 बार दुकान देखी, झाँका, फिर वहाँ मोड़ तक गया कि क्या है आगे, कौन सी अच्छी दुकान है या ये अच्छी दुकान है। जब मैंने देखा आगे कि इनका बैनर लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बालाजी, और बढ़िया समोसे भी सही से रखे हुए हैं, साफ़ सुथरा शीशा लगा हुआ है, आदमी भी ठीक ठाक बैठे हुए, बहुत मक्खियाँ नहीं है, तो मैं आया यहाँ बैठ गया, राउंड मार के आया उतना राउंड, क्योंकि अब हमारा थंबनेल जो है वो व्यूअर्स के पास, भैया अभी मोबाइल खोलेंगे तो इनके सामने जो भी कोई चीज़ आएगी वो थंबनेल ही आएगी, वीडियो तो नहीं आएगी ना, वीडियो की आवाज़ तो नहीं आएगी कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी, देखो 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 देखो, ऐसे नहीं आएगी। थंबनेल आएगा सामने और टाइटल आएगा, पहला काम करता है थंबनेल, दूसरा काम करता है टाइटल। अगर टाइटल और थंबनेल दोनों बहुत बढ़िया है तो अंदर आप कुछ भी डाले हो, वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, हो जाएगी ना वायरल। तो हमेशा मेहनत करनी है आपको थंबनेल में, और थंबनेल में अगर थंबनेल नहीं बनाना आता तो यूट्यूब पे इतनी वीडियो बड़ी है कि आप कोई भी वीडियो उठाकर देखो, थंबनेल बनाना सीख लो और आप ज्ञानी हो जाओगे। थंबनेल और सब्सक्राइबर के पीछे तो भागना ही नहीं है ना, मुझे वॉच टाइम के पीछे भागना है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं, जब लाइव में आते भैया इनको बोलना मेरी फुल वीडियो देख के जो है वॉच करके तब कमेंट करेंगे, अरे यार तुम आओ तो सही मेरे चैनल पे, एक वीडियो देखोगे उसके बाद मेरी कई वीडियो तुम्हारे सामने यूट्यूब भेजने लग जाएगा। तो अपने आप जाहिर सी बात है, तुम्हें कोई वीडियो अच्छी लगेगी उसको फुल वॉच करोगे, तुम वॉच टाइम तो मुझे मिल ही जाएगा। अगर वही वीडियो 10,000 लोग देख ले और एक एक मिनट ही देख ले, भाई एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए, 2 लाख लोग अगर मेरी वीडियो देख लेते हैं तो मेरा 4,000 घंटे पूरा हो जाएगा, 1 मिनट अगर पूरी वीडियो देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि आपको वीडियो डेली अपलोड करनी है,
मॉर्निंग में सुबह एक टाइम निर्धारित करना है, इवनिंग में टाइम निर्धारित करो या रात में निर्धारित, मतलब निर्धारित ये करो कि रात के 10 बजे से पहले और इन बीच में कभी भी आप जो टाइम, मगर डेली उसी टाइम पर आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। वो अगर डेली अपलोड हो रही है उसी टाइम, तो लोगों को इंतज़ार हो जाएगा कि भैया हमारे युवराज पाटवा जी की वीडियो आएगी और हमें पहला कमेंट करना है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं वीडियो पर पहला कमेंट करने की, ठीक है ना। तो जब टाइमली हमारी वीडियो पब्लिश होगी तो पहला कमेंट लोग करेंगे और उसके चक्कर में आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, इम्प्रेशन त्रुटि रेट भी बढ़ेगा, तो इससे आपकी वीडियो का वायरल होने का चांस 100% आएगा। तो इसलिए आपको वीडियो पे पूरा यही ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ को अगर वायरल कराना है तो एक ही फंडा है, कभी किसी से ये मत बोलना मेरी वीडियो फुल वॉच करो, कभी किसी से ये मत कहो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, भाई वो सब्सक्राइब करेगा पर देखेगा नहीं वीडियो तो कैसे मिलेगा आपको। वो सब्सक्राइब 100% करेगा क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको देखना है और उसको पसंद है, तभी वो रोज मेरी वीडियो पर आ रहा है, या वो मेरी किसी एक वीडियो पर आया तो मेरी किसी वीडियो के थंबनेल को देख कर आया है, तो उसको कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए तभी वो मेरे पास आया है, या तो मनोरंजन के लिए आया है, या तो फिर बैक टू बैक लो, या सीखने को आया है, या वो सब फॉर सब करने आया है, कुछ करने आया है वो, तभी वो मेरी वीडियो पर आया है। वैसे कोई नहीं आया, भैया ने आज तक नहीं देखी होगी, आप कहीं हैं, इन्होंने देखी, क्यों देखी, क्योंकि आप दोनों एक ही चीज़ पे, मैंने देखी कि मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मैंने तुरंत वो लाल वाला बटन दबाया, घंटी वाला बटन दबाया, ऑल पे क्लिक किया, क्यों क्लिक किया कि इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा तो मैं इसकी वीडियो देखूंगा, उस पर कमेंट करूंगा, तो जाहिर सी बात है इसको समय मिलेगा तो ये मेरी वीडियो पर भी आएगा। ये हमेशा ध्यान, अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको पैसा कमाना है यूट्यूब से, तो एक नियम बना लो कि आपको डेली एक वीडियो पब्लिश करनी है। ओके, आप देख रहे हो बड़े यूट्यूबर पागल थोड़ी हैं, वो दिन में दो दो वीडियो दे दे रहे हैं, तीन तीन वीडियो दे दे रहे हैं, और हम अभी शुरुआत की, हम एक वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या बताओ, खरबूपुर की पूरी बाजार आपने कवर कर ली क्या? आपने पृथ्वीनाथ के मंदिर का कोना कोना कवर कर लिया? अरे एक कोने को अगर आप सही से एक्सप्लेन करने लग जाओ तो एक वीडियो 40 मिनट की बनेगी वहाँ की। एक कोने को, एक मूर्ति जहाँ रखी हुई है उसको एक्सप्लेन अगर करने लग जाओगे तो 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्यों जी? तो हमें एक एक पॉइंट अगर एक्सप्लेन करके वीडियो बनानी पड़ रही है और लोगों को उससे फ़ायदा भी होगा, भाई हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बनाएंगे तो लोगों को और मज़ा आएगा वीडियो देखने में। आप कहाँ से चले? खरबूपुर से। आपने खरबूपुर से चले तो रास्ते में कितने चौराहे पड़े, तो उन छोटे छोटे चौराहे का बारे में हमने बता दिया। अब किसी को आना भी होगा तो हमारी वीडियो देखा होगा, उसको भी अच्छा लगा और उसको रास्ते का भी पता चल गया। यही है यूट्यूब का वीडियो, ठीक है ना। थैंक यू भाई, बाय से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल का नाम है आरती सीमा गोस्वामी ब्लॉग, और उस पर भी जाइएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय से मिलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीच मिला मेरे को, आज से मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। और भाई ने, भाई से मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि भाई से मिलूं, तीन चार महीने से इनसे प्रयास कर रहा था, पर आज मुलाकात हो ही गया। बहुत अच्छा लगा युवराज पाटवा जी से मिलके, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इनकी वीडियो देखकर, लगातार बने रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भैया, चलो अभी करते हैं हम सब लोग पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।